कहा गया कि हम प्राकृतिक वे में हम दो हमारे दो का इस्तेमाल करेंगे। अगली पंचवर्षीय यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि हम क्लिनिकल मेथड यानी कि गर्भपात को भी फैमिली प्लानिंग में लाएंगे। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि हम मेडिकल और क्लिनिकल सभी मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि अच्छा हम लड़कियों की शादी की उम्र 14 से बढ़कर 18 और लड़कों की उम्र 18 से 21 कर देंगे। छठी सातवीं और आठवीं योजनाओं के अंदर कहा गया कि हम कॉपर टीका इस्तेमाल करेंगे। और नौवीं पंचवर्षीय योजना में यानी कि आखिर में ये कहा गया कि जो गरीब दो बच्चे पैदा करेंगे उन्हें प्रोत्साहन देंगे। और तो और ये कि अगर जनसंख्या बढ़ भी गई तो लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या जो कि त्यों रखी जाएगी। अब अगर आप देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना से नौवीं पंचवर्षीय योजना तक ढुलमुल नीति रही, मगर इस नीति का हिंदुओं ने तो वेद वाक्य समझ के अनुसरण किया और नतीजा ये रहा कि एक जो ट्रांसफर फर्टिलिटी रेशो होती है यानी कि किसी समुदाय को अपने समुदाय का अस्तित्व बचाए रखने के लिए वो जो TFR है वो 2.3 होनी चाहिए। हिंदुओं की ये 2.3 से घटके 2.1 हो गई, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी है उसने इसका बिल्कुल अनुसरण नहीं किया और उनकी TFR 3.58 हो गई। इसका खुलासा कब हुआ? इसका खुलासा पिछले साल 2017 में फरवरी में हुआ, जब हिंदुस्तान के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर चंद्रामुल्ली ने ये बताया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी इन इंडिया इज ऑफ मुस्लिम। तो हमने उनसे पूछा कि ये कब का डेटा है, उन्होंने कहा ये 2011 का डेटा है। जब पूछा कि 6 साल बाद क्यों बता रहे हो, कहने लगे तत्कालीन सरकारों ने इस डेटा को बताने के लिए मना कर दिया गया था। तात्पर्य आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी कि आज करीब 7 प्रदेशों में मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 5-7 साल के अंदर ये 13 से 14 प्रदेशों में मेजोरिटी में आ जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ये कि ज्यादा जनप्रतिनिधि वो सभासद हों, सांसद हों या विधायक हों, वो इनके होंगे। और अगर वो हुए तो फिर इवेंचुअली द प्राइम मिनिस्टर विल बी ऑफ मुस्लिम्स। और अगर मुस्लिम का प्राइम मिनिस्टर होता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या फिर ये नहीं समझा जाना चाहिए कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया या मोहम्मद गजनवी ने किया या मोहम्मद गौरी ने किया या बख्तियार खिलजी ने किया या मोहम्मद खिलजी ने किया या बाबर ने किया, तैमूर लंग ने किया, औरंगजेब ने किया, क्या वही वापस नहीं आएगा? कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब, जो हो गया वो शायद गलत था, अब ऐसा नहीं होगा, तो भी मान लेते। मगर संकेत दिखने लगे। संकेत कहाँ से दिखे? जब कश्मीर के अंदर मुफ्ती आजम यानी कि मुफ्ती नहीं, जो मुफ्ती होते हैं उनके आजम, मुफ्ती आजम ने ये कहा कि जब हमने कश्मीर लिया था तब हमारी आबादी बहुत कम थी और तब हमको कश्मीर नहीं पाकिस्तान, तब हमको पाकिस्तान मिल गया था, आज हमारी आबादी बहुत बढ़ चुकी है, लिया जा अब हमको एक और देश चाहिए। टीवी के ऊपर आया, सब लोगों ने देखा, कोई हा हल्ला नहीं हुआ, चुप हो गए सब। इसका मतलब कि ये संकेत मिलने लगे हैं कि इस देश का दोबारा विभाजन करना कुछ लोगों के दिमाग में है। क्या ये बात पसंद होगी? और जिन्हें पसंद होगी उन्हें पसंद हो, जिन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है वो करें। मैं एक फौजी सिपाही हूँ, वीर चक्र प्राप्त हूँ, वीर चक्र केवल लड़ाई के मैदान में मिलता है, ज्यादातर मरणोपरांत मिलता है, कुछ थोड़े बहुत हैं जो जिंदा हैं, मैं उनमें हूँ एक। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या जो शहीद होते हैं वो इसलिए शहीद होते हैं कि जिस देश की हम रक्षा करें उसी देश को बांटने के लिए लोग कहते रहे, काम करते रहे और हम हाथ पे हाथ धर के वोट बैंक राजनीति के लिए चुप रहे? लिया जा आवश्यकता ये है कि अब हम दो हमारे दो तो सबके दो, ये कानून बनना चाहिए। और ये कानून जो बने वो कानून के अंदर पूछ नहीं,
उस कानून में दांत और नाखून होने चाहिए जैसे चाइना में थे। चाइना के अंदर जब यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हमारी शरीयत हमको फैमिली प्लानिंग की इजाजत नहीं देती, तो हम पूछते हैं कि अगर ये धार्मिक इशू है तो चाइना में जहाँ 10 लाख मुसलमानों को हिरासत में ले लिया गया है, नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी गई है, और एक बच्चे का कानून जब 2015 तक था वो उन्होंने माना और 2015 के बाद अब 2 बच्चों का कानून वो मान रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं मानते, वो अब क्यों नहीं लगाते शरीयत, रशिया में क्यों नहीं लगाते शरीयत। तो सवाल कहने का ये है कि ये धर्म से कनेक्टेड नहीं है, और हमें हिंदुस्तान की, अगर ये केवल आबादी बढ़ने की बात होती तो शायद ये एब्जॉर्ब कर ली जाती, मगर ये बात आबादी बढ़ने की नहीं, ये बात हिंदुस्तान की सुरक्षा की है, हिंदुस्तान के पुनः बंटवारे की है। लिहाजा देशभक्त नागरिक और पूर्व सैनिक मिलकर पूरे जोर इस काम पे लगे रहेंगे कि जब तक हम दो हमारे दो तो सबके दो का सख्त कानून नहीं बनेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और उस कानून में ये प्रावधान होना चाहिए कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे किसी के हो, हिंदू हो या मुसलमान, उसका वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाए, उसको सब्सिडी और सुविधाएं देनी बंद कर दी जाए। थैंक यू फ्रेंड। अब मैं तुम्हारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ था, मुस्लिम लीग ने साफ बोल दिया था कि हिंदुओं की मान्यता अलग है, हमारी मान्यता अलग है, हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, उसी तरह से जिस तरह से आज उनकी जनसंख्या यहाँ पर 20% से ऊपर हो चुकी है, उस टाइम पर भी 1947 में इनकी जनसंख्या 18% थी, और आबादी के हिसाब से इनको क्षेत्रफल दिया गया था, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने हमारे साथ हिंदुओं के साथ एक गद्दारी करी जो यहाँ पे इनको रख लिया। जब बंटवारा जिस धर्म के आधार पर हुआ था उसी धर्म के आधार पर उनको जो हिंदू थे वहां पे यहाँ पे आना था भारतवर्ष के अंदर, और जो भारत से मुसलमान थे उनको पाकिस्तान जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी का नतीजा है आज हम दोबारा से बंटवारे कगार पर खड़े हुए। पाकिस्तान के अंदर हम 20% हिंदू छोड़कर आए थे, जो आज घट करके सिर्फ 2% रह चुके हैं। यहाँ पर भारतवर्ष के अंदर बंटवारे के समय सिर्फ 3% मुसलमान रहे थे, जो बढ़ करके आज 20% से ऊपर हो चुके हैं। और जहां पर जिस भी देश के अंदर इस्लामिक धर्म के मानने वालों की, इन जिहादियों की जो मानसिकता रखते हैं, इनकी संख्या 50% से अधिक हो जाती है, उस सब देश की सभ्यता को, वहां के दूसरे धर्म के अनुयायियों को ये जिंदा खत्म कर देते हैं और वहां की प्रॉपर्टी छीन लेते हैं। आप देखो अफगानिस्तान के अंदर हमारे देश का हिस्सा था, आज वहां हिंदू घट करके 0.5% में आ गया, 1% भी नहीं बचा। पाकिस्तान में तो डेली बम ब्लास्ट हो रहे, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में दुराचार बलात्कार हो रहा और वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा। और आजाद भारत के अंदर जो कश्मीर हमारा हिस्सा है, जिस समय 1990 के अंदर इनकी आबादी वहां पर हिंदुओं से ज्यादा हो गई, तो वहां से सभी कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया और उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया गया, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया। तो ये जहादी मानसिकता है, ये बहुत खतरनाक है। और परसों हमने ही बिहार का जो पेपर पटना से हिंदुस्तान है उसको पढ़ाया, उसमें जो हमारा खुफिया विभाग है बिहार के ATS को बताया गया कि यहाँ पर 30 जो आतंकवादी हैं बिहार से रिलेटेड है हिजबुल मुजाहिदीन के, वो भारत में बम विस्फोट कर करके दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, ये आप सबके सामने है। तो ये वीरों की भूमि है, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है, चाणक्य की भूमि है। हम कर्नल साहब के नेतृत्व में यहाँ पे आए, यहाँ की जनता को बताने के लिए कि राष्ट्र को खतरा क्या है। खतरा बढ़ती हुई आबादी नहीं है, खतरा जो है वो जो इस्लामिक जिहादी है उनकी बढ़ती हुई आबादी इस देश के लिए खतरा है।